कि आज जो है आप लोगों के लेके आया हूँ एलईडी डीएसएलआर कैमरास के लिए एलईडी 600। और मार्केट में जो है अब ये दो एलईडी आ रही हैं, लोगों को नहीं पता कि अब ये इनमें से कौन सी बाय करनी चाहिए। मैं आप लोगों को आज जो है इन दोनों के फीचर्स और इनकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा कि इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए बिना टाइम जाए कि अपनी वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। जी तो ये थी हमारी अनबॉक्सिंग। जैसा कि आपने देखा कि हमने एलईडी 600 एपकिना की और जो नॉर्मल आती है ब्लू पैकिंग में हमने उसकी भी अनबॉक्सिंग की। और मैं आपको मजीद इनके फीचर्स के हवाले से बताता चलूं कि एलईडी एपकिना ब्रांड की जो है ये एक बैटरी पे भी चल सकती है, जबकि ब्लू पैकिंग में जो आ रही है वो दो बैटरीज पे चलेगी, जबकि एक बैटरी पे वो हरगिज नहीं चलेगी। और इन्हें जो है हम डायरेक्ट अडाप्टर के साथ इलेक्ट्रिसिटी पे भी चला सकते हैं। अगर हमारी बैटरीज जो है वो खत्म हो जाती है, उनकी चार्जिंग खत्म हो जाती है, देन जो है हम इन्हें डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पे भी चला सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, मैं आपको जाते जाते ये भी बताता चलूं कि इन एलईडीज का जो नेम है वो एलईडी 600 क्यों रखा गया, क्योंकि इनके अंदर एलईडीज ही 600 होती हैं, क्योंकि इनके अंदर जितने छोटे छोटे जो बल्ब लगे हैं वो 600 बल्ब होते हैं, इस वजह से इनका नेम जो है एलईडी 600 है। और उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, और अगर ना भी आए तो शेयर तो लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं अब अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।